बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं मुझे लग रहा है ना मैं आज परफॉर्म किया मैंने अपना पूरा 100% दिया गीता माँ एसली सर रितेश सर जय महाराष्ट्र अमित सगे मतलब खूब चांगला सपोर्ट करता हूँ बहुत मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है थोड़ा एक कदम मेरे से ज्ञान फिना ले मैं वाइल्ड कार्ड में सबसे बड़ी बात है मेरे लिए आज क्योंकि मुझे उन्होंने एक मौका दिया एक विकास साहब को बुलाया गया मतलब मौका दिया मुझे बहुत अच्छा लगा वो लोग ने मुझे भी मिस किया मैंने भी उनको बहुत मिस किया क्योंकि एक हफ्ता मैंने मुझे मालूम है मैं किधर किधर गया मुझे मालूम मेरा नाम कैसा हो गया क्योंकि मेरा नाम ऐसा था ऐसा किया है इंडिया नाम थी सुपरस्टार ने मैं फाइनल में जाऊँगा तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी क्योंकि सब रियलिटी शो में मैं अकेला ऐसा हूँ कि छोटा है वो पहली बार फाइनल में गया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा मैं फाइनल में जाऊँगा तो मेरा मेहनत है मेरा मुझे फल मिलेगा मैं आज फाइनल में गया था लास्ट टाइम जैसे लास्ट वीक हम लोग एलिमिनेट हो गए थे तो अभी वाइल्ड कार्ड एपिसोड है उम्मीदें तो काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा और जजेस ने काफ़ी अच्छे कमेंट्स दिए हैं तो अभी देखते हैं क्या होता है बाकियों का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा है वी होप कि हम लोग चले जाएँ फाइनल्स में लेट्स होप एक्चुअली हम लोग का जो एलिमिनेशन था वो काफ़ी शॉकिंग था क्योंकि हम लोग हर वीक 15 स्टार्स ले रहे थे और सडनली एक वीक आया और हम लोग एलिमिनेट हो गए हमने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था और हमारे जो फैंस वगैरह हैं एफबी और इसके थ्रू में पता चला कि उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था तो काफ़ी सरप्राइजिंग और शॉकिंग था हमारा एलिमिनेशन इसलिए शायद तो काफ़ी दिनों से चल रही है इस मंच के लिए और इस परफॉर्मेंस के लिए हमने पिछले तीन रातों से सोए नहीं है और कोशिश कर रहे थे कि जितनी जितनी जान बची है अपने अंदर सब उसको निकाल दें और जितना हमारे अंदर जितनी क्षमता है अपनी पूरी क्षमता हम उस स्टेज पर निकाल दें तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं पिछले जो भी जैसे गीता मैम ने बोला कि हम बहुत डांस करते हैं और इमोशन से अपने डांस को साथ में डांस और इमोशन साथ में दिखाते हैं तो जो आज कॉन्सेप्ट था बहुत ही सेंसिटिव इशू था और हमने कभी भी इतना सेंसिटिव टॉपिक टच नहीं किया है थ्रू डांसिंग सो हमें पता नहीं था क्या रिस्पांस होगा बट आई एम रियली रियली हैप्पी कि जजेस ने बहुत सराहा परफॉर्मेंस को और बिल्कुल जैसा हम चाहते थे वैसा उनको फील हुआ सो उस हिसाब से आई एम रियली हैप्पी और आई होप कि जितनी हमने कोशिश की थी जितनी चोटें लगी हैं और जितनी रातें हम नहीं सोए वो सारा आज सफल होगी और सारी मेहनत